तो क्या हाल है मेरे भाइयों के okay. सब बढ़िया है ना मोटो एच फोर्टी का कैमरा कंपैरिजन सिर्फ वीवो वी ट्वेंटी सेवन से मुझे करना था एंड टाइम पे मैंने डिसाइड करा थोड़ी मेहनत और कर लेते हैं गूगल पिक्सल सेवन ए को भी इस वीडियो में इंक्लूड करते हैं अब ऐसा मैंने सिर्फ इसलिए करा है क्योंकि गूगल पिक्सल्स सेवन ए एक ऐसा कैमरा फोन है जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कलर्स कैप्चर कर लेता है अपने प्राइस सेगमेंट में सेकेंड स्किन टोन्स बहुत नेचुरल देखने को मिलती है फिर चाहे वो फ्रंट कैमरा हो या रेयर कैमरा हो तो ऐसे में मोटो एच फोर्टी और Vivo वी ट्वेंटी उसके आसपास कितना अच्छे से कंपीट कर पाएंगे एक तो ये चेक करना था दूसरी और फिर आपके कमेंट्स हो जाएंगे कैमरा कंपेरिजन कर दो प्राइस ड्रॉप के बाद मैंने कहा पहले ही कर देते तीन फोन के कैमरा कंपेरिजन करने में सीरियसली हालत खराब हो जाती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट कर दिया करो अच्छा फ़ील होता है वेल well, ये वीडियो मैं टेन ए पी थर्टी एफ पी एस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ फोर के वीडियोज भी तीनों फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं बट उस टाइम पे पिक्सल सेवन ए में वीडियो स्टेबलाइजेशन वर्क करती है बाकी दोनों फ़ोन्स में नहीं करती है डायरेक्ट सनलाइट आ रही है मेरे फेस पे तीनों वीडियोज़ में मेरा फेस ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा है तीनों वीडियोज़ में डिटेल्स भी इनफ है मेरे फेस पे बट बैकग्राउंड में पिक्सल सेवन ए की वीडियो में डिटेल्स बेटर है एज़ कम्पेयर टू बोथ द अदर फोन्स इनफैक्ट पिक्सल 7a में स्किन टोन्स भी सबसे ज़्यादा नेचुरल देखने को मिली हैं बाकी दोनों फ़ोन्स में थोड़ा सा मेरा फेस ब्यूटीफाइड है ओवर व्हाइटनिंग भी देखने को मिली है अब इस टाइम पे मैं भाग रहा हूँ और वीडियो स्टेबलाइजेशन सबसे अच्छी पिक्सल 7a की है उसके बाद मोटो एच फोर्टी की भी ठीक है लेकिन वीवो वी ट्वेंटी सेवन में सीरियसली काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है बैकग्राउंड में पूरी दुनिया हिल रही है अब ये कुछ सेल्फीज़ मैंने डायरेक्ट सनलाइट में कैप्चर करी है तीनों पिक्चर्स में मेरा फ़ेस ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा नेचुरल स्किन टोन्स पिक्सल सेवन ए में देखने को मिली है थोड़ा सा वॉर्म टेंट है मेरे फेस पे जो सनलाइट की वजह से काफ़ी ऑब्वियस है लेकिन वीवो वी ट्वेंटी सेवन मोटो एच फोर्टी दोनों में ही मेरा फेस थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफाइड सा हो गया है थोड़ी ओवर वाइटनिंग भी देखने को मिली है इमेज को जूम करने के बाद तीनों पिक्चर्स में डिटेल्स इनफ है डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिली है बट बैकग्राउंड में अगेन पिक्सल सेवन ए की इमेज में डिटेल्स बेटर है ये वाइडर डेप्थ ऑफ फील्ड कैप्चर कर लेता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था Vivo V27 Moto सेवन मोटो में फॉर सम रीजन स्किन टोन्स काफ़ी आर्टिफिशियल सी देखने को मिली है ओवर वाइटनिंग थोड़ी ज्यादा है फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे Moto एच फोर्टी और Vivo V27 का फ्रंट कैमरा अच्छा नहीं लगा है काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वेल पोर्ट्रेट सेल्फीज में भी अगेन सबसे ज़्यादा नेचुरल स्किन टोन्स पिक्सल की इमेज में ही देखने को मिली है लेकिन पिक्सल सेवन थोड़ा सा एडजस्ट डिटेक्ट करने में स्ट्रगल करता है कहीं कहीं पे थोड़ी सी स्मस्ट एडजस्ट देखने को मिली हैं Vivo V27, Moto Edge 40 काफ़ी नीट और काफ़ी प्रॉपरली एडजस्ट डिटेक्ट कर लेते हैं लेकिन बैकग्राउंड ब्लर देख रहे हो आप Moto Edge 40 में हाइलाइट्स बैकग्राउंड में ब्लोन आउट हो रही हैं वे रैस वीवो ने और पिक्सल ने बैकग्राउंड में हाईलाइट्स काफ़ी अच्छे से मेन्टेन करी हैं गाइस मोटो एच फोर्टी में फोर के पे जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो स्टेबलाइजेशन वर्क नहीं करती है अगेन तीनों फ़ोन से एटेनिटी पर वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी सबसे ज्यादा एक्यूरेट कलर्स मतलब बहुत ही ज्यादा नेचुरल कलर्स अगेन पिक्सल सेवन ए कैप्चर कर रहा है बाकी तीनों फोन के ही कैमरास डिसेंट डायनामिक रेंज कैप्चर कर लेते हैं स्काई का जो ब्लू कलर है वो सबसे ज्यादा ओवर सैचुरेटेड वीवो वी ट्वेंटी सेवन की वीडियो में मैं नोटिस कर रहा हूँ इवन वॉल पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है सबसे अच्छे से एक्सपोजर पिक्सल सेवन ए ने एडजस्ट करा है उसके बाद मोटो एच फोर्टी ने वीवो वी ट्वेंटी सेवन में वॉल का टेक्स्चर ओवरऑल जो हाइलाइट्स हैं वो थोड़ी सी ब्लोन आउट हो रही हैं और ऑटो फोकस तो तीनों वीडियोस में प्रॉपरली वर्क कर रहा है तीनों कैमरास का काफ़ी फास्ट है फोकस जल्दी लॉक कर लेते हैं अब मैं इस टाइम पे भाग रहा हूँ और वीडियो स्टेबलाइजेशन तीनों ही फ़ोन्स की ठीक है बट प्राइस को कंसिडर करते हुए थोड़ी और बेटर हो सकती थी ये माइक्रोशॉट्स मैंने तीनों फ़ोन्स के प्राइमरी कैमरा से ही कैप्चर करे हैं अब जब बात आती है ना एक फ्लैगशिप कैमरा फ़ोन की तो इस पिक्चर में आपको डिफरेंस समझ आएगा कि फ्लैगशिप फ़ोन का कैमरा क्यों बाकी फ़ोन से बेटर परफॉर्म कर रहा है सबसे पहली चीज़ पिक्सल सेवन ए में सबसे ज़्यादा क्लोज टू रियालिटी और एकदम एक्यूरेट कलर्स देखने को मिले हैं फ्लार के मोटो एच फोर्टी में भी काफ़ी हद तक कलर्स नेचुरल है वीवो वी ट्वेंटी सेवन में कलर्स थोड़े ज़्यादा बूस्टेड है बट हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये कलर्स पसंद आए लेकिन सबसे मेन डिफरेंस है पिक्सल की इमेज में कंप्लीट फ्लावर फोकस में है फ्लावर पेटल्स के कॉर्नर पे भी डिटेल्स मेंटेन करी हैं वाइडर डेप्थ ऑफ फील्ड ये कैप्चर कर लेता है एज कंपेयर टू बोथ द अदर फोन्स इवन इस सैंपल शॉट में भी मेन सब्जेक्ट पे तीनों ही पिक्चर्स में डिटेल्स इनफ देखने को मिली है वीवो वी की कैमरा ऐप में नेचुरल कलर मोड एनेबल करने के बाद भी इस इमेज में आप देख सकते हो कलर्स काफी ज्यादा ओवर सेचुरेटेड है स मोटो और पिक्सल की इमेज में काफी हद तक नेचुरल कलर्स देखने को मिले हैं गाइस इन पिक्चर्स में अगर डायनेमिक रेंज की हम बात करें तो जो डार्क एरियाज हैं वो सबसे ज्यादा बेटर एक्सपोज पिक्सल सेवन ए की इमेज में नोटिस कर सकते हो आप विवो और मोट्रोला ने काफी सिमिलर परफॉर्म करा है डार्क एरियाज में थोड़ी सी क्रश शैडोज देखने को मिली है इवन इस सैम्पल शॉर्ट में भी सबसे ज्यादा अच्छी डायनेमिक रेंज पिक्सल की इमेज में देखने को मिली है इवन जो ह्यूमन सब्जेक्ट है मतलब मेरी जो इमेज है वो अंडर एक्सपोस्ड आई है विवो v27 और मोटो एच फोर्टी में पिक्सल सेवन ए ने एक वेल एक्सपोस्ड इमेज कैप्चर करी है सबसे ज्यादा नेचुरल कलर्स भी पिक्सल की इमेज में ही देखने को मिले फॉर सम रीजन ये विवो और मोटो स्काई का जो ब्लू कलर है इसे थोड़ा ज्यादा ही बूस्ट कर देते हैं इवन इस सैंपल शॉट में भी डिफरेंस काफी एविडेंट है अगेन डार्क एरियाज में क्रश शेडोस में नोटिस कर रहा हूँ विवो और मोटो की इमेज में पिक्सल सेवन ए काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है काफ़ी अच्छी डायनेमिक रेंज कैप्चर कर लेता है डार्क एरियाज वेल एक्सपोज आए हैं अब ये इमेज मैंने तीनों फ़ोन्स के प्राइमरी कैमरा से कैप्चर करी उसके बाद मैंने सेम इमेज तीनों ही फोन्स के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से जैसे ही कैप्चर करी तो मैं आपको सिंपली बोलूंगा अगर अच्छे अल्ट्रा वाइड एंगल शॉर्ट्स कैप्चर करने हैं तो सैमसंग एस ट्वेंटी या कोई और अच्छा सैमसंग का फोन आपको कंसिडर करना पड़ेगा बिकॉज अल्ट्रा वाइड एंगल शॉर्ट में तीनों ही पिक्चर्स में सबसे ज्यादा हैम्पर डायनामिक रेंज हुई है और कलर्स भी प्रॉपरली मेंटेन तीनों फोन के कैमरास नहीं कर पाए हैं वेल ये पोर्ट्रेट शॉट्स मैंने डायरेक्ट सनलाइट में कैप्चर करे उसके बाद भी तीनों फोन्स ने एक्सपोजर काफी अच्छे से एडजस्ट करा मुझे पता है कमेंट्स आ रहे थे कि किन ए थोड़ी सी अंडर एक्सपोज पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करता है कलर्स थोड़े आपको म्यूटेड लग रहे थे बट मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ सबसे ज्यादा एक्यूरेट और सबसे ज्यादा नेचुरल कलर्स पिक्सल सेवन के पोर्ट्रेट शॉट्स में देखने को मिले हैं मतलब मोटो एच फोर्टी की ये इमेज तो देखो एक बार कलर्स आंखों में चुभ रहे हैं इवन अगर मैं स्किन टोन्स की भी बात करूँ तो सबसे ज्यादा नेचुरल स्किन टोन्स पिक्सल सेवन ए की इमेज में है वीवो ने और मोटो ने थोड़ा सा मेरे फेस को ब्यूटीफाई कर दिया है बस एक प्रॉब्लम है कई बार पिक्सल सेवन ए में इमेज कैप्चर करते टाइम बैकग्राउंड ब्लर नहीं होता है बट ये गूगल का फोन है और मुझे पता है बहुत जल्द सॉफ्टवेयर अपडेट देके इस इशू को फिक्स कर देंगे Well, इस शॉट में एक कमी मुझे पिक्सल की इमेज में और लगी कि बैकग्राउंड आया है well बट तो मोटो से से वी और पिक्सल की इमेज में भी डिटेल्स वैसे इनफ है बाकी तीनों फोन के कैमराज एजिस प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं पोर्ट्रेट शॉट्स में अब लो लाइट में वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम मेरे को मोटो एच फोर्टी ने सीरियसली काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया हद से ज़्यादा नॉइस है वीडियो में वीवो की वीडियो और पिक्सल की वीडियो में नॉइस काफ़ी कम है लेकिन तीनों फोन के कैमरास लाइट्स को कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहे हैं लाइट्स थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही है और कलर्स को वीवो और पिक्सल तो मेंटेन कर पा रहे है लो लाइट में बट मोटो एच फोर्टी थोड़ा अगेन स्ट्रगल कर रहा है अब अगर मैं बात करूँ लो लाइट में इमेज क्वालिटी की तो तीनों फ़ोन के कैमराज काफ़ी डिसेंट परफॉर्म करते हैं मैंने नाइट मोड इनेबल करने के बाद ये इमेज कैप्चर करी है और सबसे पहले अगर आप लाइट्स की तरफ नोटिस करोगे तो थोड़ी सी फ्लेयर देखने को मिली है लाइट्स के आसपास वीवो और Moto H40 में पिक्सल ने यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्म करा है बट फोरग्राउंड में डार्क एरियाज क्लियरली बेटर एक्सपोज्ड हैं Vivo V27 वी की इमेज में डिटेल्स बाकी तीनों पिक्चर्स में इनफ देखने को मिली हैं अब इस सैंपल शॉट में आपको डिफरेंस पता चलेगा बिल्डिंग पे ये लाइट्स की तरफ नोटिस करना सबसे अच्छे से लाइट्स को कंट्रोल करा है वीवो वी ने इवन जो लाइट्स का कलर है वो भी सबसे ज्यादा वेल मेंटेन्ड है लेकिन मोटो एच फोर्टी में लाइट्स थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही हैं बट पिक्सल सेवन ए में लाइट्स थोड़ी ज्यादा ही ओवर एक्सपोज आई हैं इवन नीचे की तरफ ये जो लाइट्स हैं ये काफी ज्यादा ब्लोन आउट हो रही हैं पिक्सल की इमेज में वेयर एस वीवो ने तो कमाल की इमेज कैप्चर करी है लाइट्स बिल्कुल भी ओवर एक्सपोज नहीं हो रही है वेल लो लाइट में अगर आप अपने फ्रेंड्स या किसी ह्यूमन सब्जेक्ट की इमेज कैप्चर करते हो तो इस सैम्पल शॉट में Vivo V27 सीरियसली काफी स्ट्रगल कर रहा है और मैंने पास्ट में जो कंपैरिजन किया था एस ट्वेंटी वन से उसमें भी बताया था कि लो लाइट में क्या होता है ये फेस के टेक्सचर को मेंटेन करने में स्ट्रगल करता है फेस पे थोड़ी ओवर व्हाइटनिंग देखने को मिली है और थोड़ी नॉइस भी है इवन जो फेस है वो थोड़ा हेजी आया है मोटो एच ने डिसेंट परफॉर्म करा है बट पिक्सल सेवन में एस टोन्स भी सबसे ज्यादा नेचुरल देखने को मिली है और नॉइज भी सबसे ज्यादा कम पिक्सल की इमेज में है इवन लास्ट सैंपल शॉट में तीनों ही पिक्चर्स सिमिलरली एक्सपोज आई हैं बट जो लाइट्स हैं वो अगेन सबसे अच्छे से वीवो V27 कंट्रोल कर रहा है तो डिसाइड कर लो लो लाइट में आपको ह्यूमन सब्जेक्ट अपने फ्रेंड्स की पिक्चर ज्यादा कैप्चर करनी होती है या बिल्डिंग वगैरह की आप पिक्चर्स कैप्चर करते हो बिकॉज बिल्डिंग्स की तो इमेज वीवो वी ट्वेंटी सेवन अमेजिंग कैप्चर कर लेता है लेकिन अगर वीवो में से कोई इस वीडियो को देख रहा है या ट्विटर पर टैग कर दो ह्यूमन सब्जेक्ट की पिक्चर्स फॉर सम रीजन लो लाइट में अच्छी कैप्चर नहीं कर पाता वी ट्वेंटी सेवन फेस पे ओवर व्हाइटनिंग आ जाती है और मेन प्रॉब्लम फेस हेजी आ रहा है और अगर इन इश्यूज को फिक्स कर ही रहे हो तो लगे हाथों जरा फ्रंट कैमरा को भी इम्प्रूव कर दो अगर हमें मेकअप करना होगा तो हम खुद खरीद के कर लेंगे और फ्रंट कैमरा मोटो एच फोर्टी में भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उम्मीद करता हूँ कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है वीडियो को लाइक कर दो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन यू गैस अवर क्रिएटे